हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे नीट एग्ज़ाम को लेकर कुछ नए अपडेट के बारे में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको नीट एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन में, तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट का जो जवाब भेजा है जो पोस्टपोन करने का नीट एग्ज़ाम को, वो बोला गया है कि आपको 31 अगस्त तक एग्ज़ाम को होल्ड करना पड़ेगा। मतलब पहले जो एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट की थी दोस्तों, की थी 1 अगस्त। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि आपको एग्ज़ाम 31 अगस्त तक पोस्टपोन करना होगा। तो ये तो पहले भी दोस्तों साफ हो चुका था कि एग्ज़ाम यानी सितंबर के बाद ही होगा, सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि 31 अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब अगस्त के महीने में बिल्कुल भी एग्ज़ाम होने के चांस नहीं है। काफ़ी लोग के दोस्तों व्यू थे, कमेंट थे कि हाँ अगस्त के एंडिंग में एग्ज़ाम हो सकता है, बट यहाँ पर एक साफ मेंशन कर दिया गया है कि अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में होगा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों अभी तक नीट के फॉर्म अप्लाई भी नहीं हुए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आए, तो इसका एग्ज़ाम तो लेट होगा। अनदर थिंग इज़ कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जब आप 12th की मार्क्स जो पुट करेंगे, वो अभी तक नया रूल नहीं बना है। CBSE ने जहाँ पर 12th एग्ज़ाम को प्रमोट किया है, उसके रूल अभी तक नहीं बनाए कि आप नंबर कैसे स्कोरिंग करोगे, नंबर कैसे दोगे उनको, कैसे स्कोरिंग उनका रिजल्ट कार्ड बनेगा, स्कोर कार्ड बनेगा, अभी तक वो रूल नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर कहा था कि आप जल्दी, जब एग्ज़ाम रद्द किया था उन्होंने बोला था कि आप 2-3 दिन में बना के दीजिए, और आज उस बात को 2-3 वीक हो चुके हैं, मिनिमम दोस्तों आज 18 दिन हो चुके हैं इस बात को, बट अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको लेजीनेस के अकॉर्डिंग ले रहा है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। सीरियस होता तो अभी तक CBSE के रूल बंद थे और यहाँ पर नीट के फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप फॉर्म तो अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करोगे फिर एडमिट कार्ड आएगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपके एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त के एंड में होगा, सो बी कूल और स्टडी कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।